बात पे झांकी बन रही है। एक बार जोरदार तालियां इन झांकियों के लिए। वन्य प्राणी बेजुबान तो है लेकिन बेजान नहीं है। हम जैसे अपनी जान का ख्याल करते हैं, अपनी सेहत का, अपनी सुरक्षा का ध्यान करते हैं, ऐसे ही हम प्रकृति की अन्य चीजों पर भी ध्यान रखें। प्रकृति में जीव जंतुओं का ख्याल रखें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। एक थीम लेकर के आपके बीच वन विभाग की झांकी श्री वीरेंद्र सिंह जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इसके पीछे पीछे कृषि विभाग, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, और किस तरह की खेती यहाँ होती है, किस तरह के लोग यहाँ के हैं। हरियाणा की लगभग 80% जनता कृषि और उसके उत्पादों पर आश्रित है। कृषि विभाग लेकर के आपके बीच अपने झांकी, खुशहाल हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, और यह समृद्धि हरियाणा के किसानों के खून पसीने से उपजी समृद्धि है। विभिन्न मौसमों में, विभिन्न ऋतुओं में एकाग्र होकर के हमारा किसान लगातार मेहनत करता है और बंजर भूमि से भी फसल उगाने का मौका रखता है। कृषि विभाग आपके बीच लेकर के आया अपनी झांकी, खुशहाल हरियाणा, समृद्ध हरियाणा। एक बार जोरदार तालियां इस झांकी के लिए। और इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस सेवाओं को जिनका नंबर है 108, राष्ट्रीय नंबर दिया गया है, कभी भी कोई दुर्घटना आप देखें 108 नंबर पर कॉल करें। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस नजदीक ही कहीं होगी, तुरंत आपके पास दुर्घटना स्थल पर पहुंचेगी। 108 नंबर याद रखें। स्वास्थ्य विभाग इस एम्बुलेंस के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि हम दुर्घटना के समय आपके पास हैं, आपके सहयोगी हैं। आप भी जागृत रहें, जागरूक रहें, और हम भी जागृत हैं और जागरूक हैं। एम्बुलेंस सेवाएं 108 नंबर, जोरदार तालियों के साथ एम्बुलेंस सेवाओं का स्वागत। इसके पीछे अनुपम पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल की झांकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा ने जब यह मूल मंत्र माननीय मोदी जी से प्राप्त किया तो तब से लेकर लगातार हरियाणा में स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि हो रही है। लगातार ऐसे कानून बनाए गए जिनसे आपराधिक लोगों पर रोक लगाई जा सके। अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से जो होते थे उन पर रोक लगाई गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, बेटियां सबल बन रही हैं। बेटियों ने अखाड़े की धूल से लेकर आसमान की सीमाओं को मापा है। ये वही बेटियां हैं, हरियाणा की आन बान शान का प्रतीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी लेकर के अनुपम पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल आपके बीच जोरदार तालियों से इस झांकी का स्वागत करें। एक समय था जब बेटी होना अशगुन माना जाता था, माताओं के चेहरे पर सिलवटे पड़ जाती थी, परिवार में मातम हो जाता था। लेकिन आज वो समय है जब कल्पना चावला जैसी बेटियां हमें अपनी बेटियों में दिखाई देती हैं, साक्षी मलिक जैसी बेटी जिसके दाब पेचों ने सारे विश्व को हिलाया है, अपना प्रभावशाली प्रदर्शन किया है सारे विश्व पटल पर। अब हम यह देखते हैं कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बार जोरदार तालियां इस झांकी के लिए। और ये भी इस झांकी में दिखाया गया है कि भारत की रक्षा मंत्री भी हमारी एक बेटी है, विदेश मंत्री भी हमारी एक बेटी है, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज जी जैसी बेटियों ने भारत के आन बान शान को बनाए रखने का प्रयास
लगातार किया है और करती रहेंगी। आओ घर घर अलख जगाएं, कन्या संतान को गले लगाएं, यह थीम लेकर के, यह संदेश लेकर के आपके बीच। हर घर की है इसी में शान, बेटी का हो घर घर सम्मान। खुशियों के फूल खिलाती हैं बेटियां, घर आंगन महकाती हैं बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी आपके बीच। अनुपम पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडन। और इसके बाद पीछे आ रही है झांकी ब्रज दर्शन। भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। कहा भी गया है जो है वृंदावन के वृक्ष की मर्म न जाने कोय, और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। और यहाँ कृष्ण राधा जी का